गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं। बिल्ली भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, इसके पापा भी ठीक हैं। दिखाओ, ये मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा के दिखाओ, हाय बोलो, हाय बोलो, बोलो हाय गाइस, हाय गाइस। सो गाइस, यहाँ पे हो गए दोपहर, दोपहर के बज चुके हैं 12 और अभी हमारी हो रही है शुरुआत, क्योंकि सुबह मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि देख लेती हूँ हो ना, क्योंकि एक दो दिन के कट करके रखे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ चला ना गया उसमें। वैसे तो ढक के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या पता कहीं कुछ चला गया हो, तो बेबी का है, अपना होता थोड़ा इंसान सोच देता है थोड़ा बहुत। तो चलिए, कढ़ाई हमारी हो चुकी है फुल्ली गर्म, थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी मेरे पीछे पीछे आ गए किचन में, उसको पता लग गया, पता लगता है ना, तो सोचता है कि मैं सबसे पहले मैं क्यों ना जाऊँ किचन में। चलिए, हमारे यहाँ पे जो रहे हैं रोस्ट करने के बाद ओट्स भी बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है ओट्स में, तो मैं ओट्स भी उसको देती रहती हूँ। डेट्स हो जाए तब तक मैं ओट्स को खोल के रखती हूँ, फिर इनको रोस्ट करके रख दूँगी। बाकी के जो बचेंगे उनको स्टोर करके एक कंटेनर में रख दूँगी, या फिर कभी जब जरूरत पड़ेगी तो इसे यूज़ कर लो। और कभी कभी अपने भी ब्रेकफास्ट में इंसान जब कुछ नहीं मिलता है तो ओट्स बना लो। मैं ना ओट्स में खुद बहुत खाती थी, जॉब पे जाती थी ना सुबह में, और जल्दी कुछ बनता नहीं था, क्योंकि वहाँ का जो ब्रेकफास्ट रहता था ना वो एकदम ऑयली स्पाइसी रहता था, तो मैं उतना खाती नहीं थी। फिर मैं ओट्स फटाफट, ओट्स को बनने में तो उतना टाइम लगता नहीं है, फटाफट से ओट्स बनाओ ले जाओ। और जब मैं प्रेगनेंट थी तो उस टाइम भी मेरे पास और कोई ऑप्शन तो होता नहीं था कि कुछ और बना के लेके जाऊँ, तो फिर मैं फटाफट से ओट्स बनाए, साथ में फ्रूट्स रखे, और फ्रूट्स बनाना तो सुबह सुबह मैं खा ही लेती थी, पहले सुबह उठ के खाती फिर निकलती थी चाय पी के, फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद मैं 6:30-7 बजे फिर ओट्स खा लेती थी, भूख लगती थी बहुत ज़्यादा मुझे। और ओट्स खाने के बाद 8 बजे वहाँ पे ब्रेकफास्ट आता था, फिर मुझे जब भूख लगती थी फिर मैं वहाँ ब्रेकफास्ट कर लेती थी, क्योंकि वहाँ पे ना इडली वगैरह बनती थी और डोसा वगैरह, तो मुझे बहुत पसंद है। और उसमें क्या होता है ना, लाइट रहता है खाने में भी अच्छा रहता है, हेल्दी होता है, तो मैं वही खाती थी वहाँ पर ज़्यादा। तो पोहा हो गया अच्छा बनता था वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं वो फिर खा लेती थी। फिर लंच भी वहाँ कभी कभी वहाँ पर कर लेती थी, कभी कभी घर से मेरे हस्बैंड बना कर दे देते थे मेरे लिए, क्योंकि वो भी लेके जाते थे ना, तो मुझे जल्दी जाना रहता था, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे घर से निकलती थी, वो 2 बजे में आ जाती थी घर पर, 6 बजे से रुकी थी, आधा घंटा पहले लगे जाता है जाने में। और चलिए, यहाँ पे हमारे हो गए हैं
डेट्स जो हैं रोस्टेड हो गई हैं अच्छे से। मैं सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे से हो जाए ना, फिर क्या होता है कि अगर आप स्टोर करके भी रख रहे हो ना तो वो ख़राब नहीं होती है। वैसे तो ख़राब होंगी नहीं, फ्रिज में रख रहे हो तो भी अच्छा है, नहीं फ्रिज में रख रहे हो तो भी अच्छा है, लेकिन मैं स्टील के अगर स्टील का टिफिन मिलता है तो उसमें डाल के रखो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। प्लास्टिक में थोड़ा सा होता तो नहीं है लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी इसका 10-15 दिन आराम से चल जाएगा। थोड़ा सा डालना होता है टेस्ट के लिए, कितना आधा चम्मच डालो तो बहुत है बच्चे के लिए। ऐसा नहीं है कि डेली ही डाल के देना होता है, एक टाइम दिया हो सकता है किसी दिन वो भी नहीं दिया तो किसी दिन किशमिश डाल दी तो उसकी नेचुरल स्वीटनेस जो है वो हो ही जाती है। और फिर किसी दिन गाजर और चुकंदर अगर रहते हैं तो उनकी नेचुरल स्वीटनेस होती है तो उसमें भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, कम ही जरूरत पड़ती है। ऐसा होता है ना कभी कभी ओट्स बनाने पड़ते हैं तो उसमें एकदम फीके जो रहते हैं फिर बच्चा खाएगा नहीं, पहले वो खा लेता था छोड़ता था, लेकिन पहले मैंने इसको ऐसे नहीं दिए, कभी उसमें एप्पल ऐड करके बॉइल करके, कभी बनाना ऐड करके मैश करके, ऐसे ऐसे मैं उसको देती थी। और जब भी मैं कभी काम करती हूँ ना तो तब खा लेता, लेकिन अभी इसको पता लगे एकदम फीका होगा ना तो वो नहीं खाएगा। तो उसके लिए फिर मैं या किशमिश या फिर कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आ चुके हैं यहाँ पे। अब जब भी मैं कभी काम करती हूँ तो देखिए हाय, जब भी मैं कभी काम करती हूँ ना कुछ तो ये मेरा बेटा आके ना मेरी टांगों के ऐसे मेरे पैरों के बीच में इस तरह के बैठ जाता है, लेट जाता है ना, इसको यहीं सुकून मिलेगा। हाँ यहीं सुकून मिलता है। और ये अरे यहाँ पे हो गए अच्छे से रोस्ट। चलिए हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं और ठंडा करने तक रख देंगे, उसके बाद इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी, फिर स्टोर करके रख देंगे ठीक है। और मुझे अभी इसका काम आज इतना करूँगी, फिर कल स्टोर करूँगी, आज इतना भी हो पाएगा तो ज़्यादा हो नहीं पाता है। इसका पता नहीं कब काम करना शुरू कर दे, अभी इसको फीड भी करवाना है तो इसी के लिए सोच रही थी। यहाँ पे रोज 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 दो काम मेरे हो जाएंगे ना, मैं डाल के किसी में स्टोर करके रख देती हूँ क्योंकि अभी 1 kg का है तो 1 kg है, हाँ 1 kg तो ये ऐसे रखूँगी तो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे मेरी डेट्स जो थी ना एकदम ड्राई रोस्टेड हो चुकी हैं अच्छे से। और अभी ये यहाँ पे इसके मैंने इसमें घी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, ड्राई रोस्ट ही करती हूँ। और अच्छे से थोड़ा ब्राउन हो जाएंगे ना तो मैं इसको फिर डाल के ठंडा होगा उसके बाद इसको भी पीस के रख दूँ, क्योंकि फिर पाउडर रहता है तो इसको खाने में थोड़ा इजी रहता है। अभी इसके 2 टीके आ रहे हैं, 2 टीके छोटे छोटे आ रहे हैं, ठंडा होता है ना। तो चलिए मैं इसके लिए खुद में देख लेती हूँ, चलो हटो 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 हटो। तो यहाँ पे ना मुझे ए वाला ही मिला है, ये 1/2 kg का है, इसमें पता नहीं कितने आते हैं कितने नहीं, ट्राई करती हूँ देखने के लिए। बाकी जो बचेगा तो फिर उसके लिए मुझे कुछ नहीं 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 बेबी नहीं, वो ना नीचे दाल वगैरह डाल के रखा रहता है ग्रोसरी का सामान छोटा छोटा उसको निकलता रहता है, उसको बड़ा मज़ा आता है, उसमें आवाज़ आती है ना इससे पॉलीथिन की आवाज़ आती है उसको बहुत अच्छा लगता है तो लगा रहता है। अभी नहीं नहीं गिर जाएगा, सुनता नहीं, डांट पड़ती है वो सुनता।
बाकी का भी बचेगा, फिर देखती हूँ, सारा तो आ नहीं पाएगा ना, बाकी का देखती हूँ किसी और में, किसी और में स्टोर करती हूँ। ओह माय गॉड, बस इसमें इतना ही आ पाएगा। लाडू नहीं करते बेटी, देखिए यहाँ पे मैंने इसको कर दिया इसको, और बाकी का देखती हूँ किस में करती हूँ। मेरे पास कंटेनर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ क्लीन करने वाले हैं, कुछ छोटे हैं, छोटे में डालना मतलब नहीं है, कुछ बड़ा मुझे लेना पड़ेगा। चलिए अब तक देखते हैं, थोड़ा सा ये अभी फिर तो ऐसे करूँगी इसको ना, ऐसे करके क्योंकि अभी हमको जाना होगा, इसमें एक रबर लगा के ना, रबर बैंड चलो देखती हूँ। तो अभी हमको जाना है घर, तो मैं सोच रही ऐसे ही लेकर चली जाऊँगी, इसलिए जैसे चल रहा है तो ईजी रहेगा, और कहीं देखते हैं क्या होता है। बाकी के बच्चे में डालो इसमें, यहाँ पे हमारे ओट्स भी हो चुके हैं अच्छे से रो से। क्या हुआ, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ बाहर, देखो देखो यहाँ पे हमारे ओट्स रोस्टेड हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे गैस को कर दीजिए बंद, और देखो इसकी मस्ती चल रही है, ये देखो सब कुछ फैला के रख देता है, इसका पाउडर है, फार्मूला फार्मूला इसका, तेरा तो मैं सोच रही थी कि इसको ना लाडू एक मिनट जम सर, इसको मैं सोच रही हूँ कि कोई आपने देखी है तो घर जाएंगे तो चले जाएंगे तो वहाँ पर होंगे ना। चलिए तब तक ये ठंडा होता है तक हम चलते हैं फैन के नीचे, ये ठंडा होगा आराम से, और एक बार फ्रिज में ही रख देती हूँ, फ्रिज में नहीं भी रखूँगी तो भी चल जाएगा, और फ्रिज में ही रख देते हैं ना, मेरे पास ऑप्शन है तो फिर किसी में तो फ्रिज में ही स्टोर करके रख देते हैं इसको। तो क्या हो रहा है, बस इसका ऐसे रहता है, जब भी मैं कभी किचन में आती हूँ ना तो ये आके मेरी टांगों के बीच अपना सर रखेगा, ऐसे लेट जाएगा, आराम से लेट जाएगा। आ जाओ चलो, आ जाओ आ जाओ बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए तब तक हमारा हो चुका है ठंडा होता है, तब तक मैं इसको करवा लेती हूँ फिर, एंड देन इसके बाद ये सो जाएगा, सो जाएगा तो फिर अगर ये जाके उठेगा उसके बाद ही ग्रैंड हो पाएगा, क्योंकि क्योंकि ऐसा है ना, अगर इसके कानों में थोड़ी सी आवाज़ पड़ जाती है ना मशीन की ग्रैंड की एकदम उठ जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ जाके उठेगा उसके बाद कैसे ग्रैंड होंगी, तब इसको खाना पीना खिला देती हूँ, इसको सुला देती हूँ, अपना लंच कर लेती हूँ, उसके कुछ कपड़े मुझे डालने हैं अभी सूखने के लिए वो डाल देती हूँ, तकरीबन रही है बाय।